हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन डोनट्स, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मिल्क पाउडर, 3 टेबलस्पून सूजी, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून देसी घी, थोड़ा सा मिल्क जो कि हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। सजावट के लिए चाहिए थोड़ी सी रबड़ी और थोड़े से सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ। सबसे पहले 3 टेबलस्पून सूजी लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल के उसको मिक्स करके इसके साइड में रख देंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें मिल्क पाउडर, टीस्पून बेकिंग पाउडर, मैदा, 1 देसी घी, 1 और जो सूजी मिक्स करके रखी थी वो डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको आटे की तरह गूंदेंगे। हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। आइए जब तक ये रेडी होता है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। एक पैन में 3 कप पानी और उसमें 2.5 कप चीनी डालेंगे। और उसकी चाशनी बनाएंगे। हमें थोड़ी चाशनी ज़्यादा चाहिए ताकि डोनट्स जो हैं वो पूरी तरह से चाशनी में डिप हो जाएं। लेकिन जो चाशनी है वो तार की नहीं होनी चाहिए, बस इतने ही बनानी है कि वो स्टिकी हो जाए। आप इसमें 2 छोटी इलायची दानों समेत डाल सकते हैं। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो मत डालिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें। ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़े से केसर के दाने वो डालेंगे, स्ट्रिंग्स, हल्का सा केसर डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, वैसे ये इसमें बहुत अच्छा लगता है पर फिर भी ऑप्शनल है। अब गैस बंद कर दें और इसे किसी बाउल में पलट लें। चाशनी को किसी चौड़े बाउल में पलटेंगे ताकि जब हम इसमें डोनट्स डालें तो वो एक दूसरे के ऊपर ना आए और सारे अच्छे से चाशनी में डिप हो जाएं। अब जो हमने आटा गूंद के रखा था उसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर अपने हाथों की सहायता से उसका पेड़ा बनाएंगे। आप साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही सारे बना के रख लें। चकले के ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल लें ताकि जो पेड़ा है, आटा है, वो उसके साथ चिपके। इस पूरे मिश्रण में से आपके तकरीबन 8 से 10 तक बनेंगे। ये साइज पे डिपेंड करता है, अगर छोटे होंगे तो वो 10 के करीब बन जाएंगे, लेकिन नॉर्मल साइज के 8 बनेंगे। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके डोनट्स डालेंगे। धीरे धीरे, आराम से, तेल गरम है।
2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, और इनको ज़्यादा डार्क करना है क्योंकि जैसे हम इसको चाशनी में डालेंगे तो इनका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो गुलाब जामुन तो डार्क कलर के ही अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी साइड बदल दें ताकि दोनों तरफ से सुनहरे हो जाए। जो हमने चाशनी बना के रखी हुई थी अब उसको हम दोबारा गर्म करेंगे, 1-2 मिनट के लिए गर्म करेंगे। चाशनी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें गुलाब जामुन डोनट्स डालेंगे एक एक करके। अब हम इनको हल्के हाथों से एक बाउल में पलट लेंगे। धीरे धीरे करना है। अब इसे 2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे ताकि चाशनी जो है वो डोनट्स में एब्जॉर्ब हो जाए। 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम गुलाब जामुन डोनट्स को सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर चम्मच की सहायता से रबड़ी को फैला दें। अब चाहें तो आप इसे अभी सर्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको ठंडा करके सर्व करें। मुझे यकीन है आपको गुलाब जामुन डोनट्स की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। थैंक यू, बाय बाय।